एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग विद गुरु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 फैशन मिस्टेक्स जो हम सब करते रहते हैं। मैंने तो बहुत की है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 मिस्टेक है टू मच शॉपिंग ऑन सेल। फ्रेंड्स, हम सब क्या करते हैं ना, ये सेल स्टार्ट होती है, हम ब्लाइंडली शॉपिंग कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो हमारे घर के एक कोने में पड़ी रहती हैं और वो हमारे किसी यूज़ की नहीं होती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको लेना है, आपको लगता है कि हमें ये चीज़ लेनी है, तो उसको पहले आप विश लिस्ट में कार्ट में ऐड कर लीजिए। फिर अपने आप को एक दिन का समय दीजिए और उसके बाद आप सोचिए कि ये चीज़ आपको परचेज़ करनी भी है कि नहीं, आपके किसी यूज़ की है कि नहीं, तो उस हिसाब से आप परचेज़ करिए। जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत सारे सेल स्टार्ट हो चुकी होगी या फिर होने वाली होगी, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और आप ऐसे अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिस्टेक नंबर 2 है ब्रांड्स पे नहीं क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ब्रांडेड है तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ब्रांड्स परचेस किए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार रही है और उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं। आप सोचिए, पॉलिएस्टर की कुर्ती आपको 2000 रुपीज़ में मिल रही है, तो फिर ये तो मतलब ही नहीं बनता है। कभी कभी आपको लोकल मार्केट में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए और आप ब्रांड्स पे ना इन्वेस्ट करिए। 3rd मिस्टेक है ओवर एक्सरसाइजिंग। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टेटमेंट पीस पहन लेंगे, नेक पीस, डैंगलिंग ईयरिंग्स पहन लेंगे, बेल्ट ऐड कर लेंगे, ओवरसाइज बैग ले लेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए? ऐसे तो आप एक चलती फिरती दुकान लगेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, ओवर एक्सरसाइजिंग नहीं करनी है, कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमम। 4th मिस्टेक है सॉक्स विथ सैंडल्स। फ्रेंड्स, ये तो वर्स्ट मिस्टेक है, आपको सॉक्स के साथ सैंडल पेयर अप नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ख़राब लगती है। आपको सैंडल्स जो है वो आपको बेयर फीट पहननी चाहिए, वही ज़्यादा अच्छी लगती है, और सॉक्स आप शूज़ के साथ पेयर अप करिए। 5th मिस्टेक है रॉन्ग फिट। अगर आप वेल फिटेड क्लोथ्स नहीं पहनते हैं तो आप कभी भी एलिगेंट और स्टाइलिश नहीं लग सकते हैं, चाहे आप जितने महंगे कपड़े पहन लीजिए या फिर जितने भी सुंदर कपड़े पहन लीजिए। अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो बहुत मेसी लुक लगता है, और अगर आप लूज़ कपड़े पहनते हैं तो आप बहुत एजेड से लगते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करना होगा कि आप राइट फिटेड क्लोथ्स पहनिए, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी साइज के अकॉर्डिंग। सो आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।